कुछ ताज़ा जो स्थिति निकल के आई रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच, उसमें भारतीय दूतावास की तरफ से एक विशेष घोषणा की गई। इस विशेष घोषणा से कई नए पन्ने खोले गए और कई अलग-अलग कयास लगाए गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सामान्य परिस्थितियों के लिए भी हो सकता है और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। भारतीय दूतावास ने जो जानकारी साझा की उसके तहत उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में रहने वाले तमाम जो भारतीय लोग हैं वो यूक्रेन छोड़कर वापस भारत चले आएं, ऐसा भारतीय दूतावास चाहता है। और भारतीय दूतावास ने वहाँ रहने वाले 18,000 लोग जो इंडियन हैं, वहाँ मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए या किसी दूसरे कोर्सेज के लिए वहाँ गए हैं, ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स ही हैं, इन सब का रिकॉर्ड डेटाबेस तैयार कर लिया है और इन्हें इंडिया डिपोर्ट करने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है। अब इसकी जो आशंकाएं लगाई गई थी वो थी 16 फरवरी के आसपास। 16 फरवरी के आसपास की आशंकाएं इसलिए लगाई गई क्योंकि बीजिंग में चल रहे ओलंपिक इस तारीख को ख़त्म हो जाएंगे और निश्चित रूप से चाइना रूस का साथ देगा। और अगर चाइना रूस के साथ होता है या चाइना और रसिया दोनों एक साथ आते हैं तो एक भयानक युद्ध निश्चित हो जाएगा और इस निश्चित युद्ध को टालना किसी संघ या किसी एक देश के बस की काम नहीं रहेगी। अब यूक्रेन को लेकर बड़ी विचित्र परिस्थितियां चल रही हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे दी जाए और अमेरिका के साथ यूक्रेन का राजनीतिक विलय किया जाए। सीमाएं विलय नहीं होंगी, केवल और केवल यूक्रेन जो है वो अपना पावर शेयर करेगा अमेरिका के साथ, ये अमेरिका की मंशा है। वहीं चीन ये चाहता है कि यूक्रेन रशिया के साथ हो यानी रूस के साथ हो। उसके अलावा रूस खुद यही चाहता है कि एज इट इज सिचुएशन बनी रहे और युद्ध के दबाव में आकर, क्योंकि यूक्रेन में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक बड़ा कारण रहा है और उसकी वजह से चीन जो है वो ये चाहता है कि यूक्रेन रूस के साथ हो जाए। और अमेरिका क्योंकि उसकी मंशा है नाटो मेंबर बनाने की, अब खुद यूक्रेन भी यही चाह रहा है कि उसे नाटो की सदस्यता मिल जाए और वो एज ए नाटो मेंबर अमेरिका का साथ दे। इससे यूक्रेन को क्या फायदे होंगे? अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो अमेरिका के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के जो 30 और मेंबर कंट्रीज हैं वो सब फेवर में होंगे या सपोर्ट में होंगे यूक्रेन के। हालांकि इसकी आशंकाएं बहुत पहले ही देखी गई। इस विवादपूर्ण स्थिति में जापान की तरफ से लोन ऑफर किए गए यूक्रेन को, उसके अलावा अमेरिका आर्थिक मदद पहले ही दे चुका है और आर्थिक मदद के साथ साथ उन्होंने सैन्य मदद देने का भी पूरा पूरा वादा यूक्रेन से कर लिया है। मतलब यहाँ समझने की बात यह है कि केवल और केवल रूस एक ऐसा देश नहीं है जो दबाव में ले सकता है यूक्रेन को। युद्ध की आशंकाएं बन रही है, यूक्रेन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध की आशंका को रोक दिया जाए या स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। इसके अंतर्गत कई और ऐसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे यूक्रेन में जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है जहां रूस के समर्थन के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो यूक्रेन का वो हिस्सा जहां रूस के समर्थक रहते हैं वहां स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन उसी यूक्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो यूरोपियन बॉर्डर के पास है यानी जो यूरोप से सीमाएं साझा कर रहा है, यूरोपीय निवासी हैं या यूरोपीय सभ्यता से मिले जुले जो लोग हैं, ये लोग बड़ी शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। ये किसी विद्रोह में या किसी तरीके की विकृत मानसिकता का ये हिस्सा नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत सामान्य है, बहुत साधारण है। तनावपूर्ण स्थिति केवल वहाँ है जहाँ रूस से प्रभावित लोग रह रहे हैं। वो देश जो इस समय यूक्रेन के साथ हैं उनमें प्रमुख रूप से अमेरिका और यूरोप, यूरोपियन संघ पूरी तरीके से यही चाह रही है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करती रहे, चाहे वो आर्थिक मदद हो चाहे वो सैन्य शक्ति की मदद हो, और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यूक्रेन उनका हिस्सा रहे। इसका प्रमुख कारण, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूक्रेन के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए ये सारा झगड़ा किया जा रहा है। रूस कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। आज जो उसने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जिनमें
स्वतंत्र देश बना दिए गए ऐसी जगहों को जो कि बहुत ज़्यादा अलगाववाद से प्रभावित थी, जहां बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे। ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को दबाने की कोशिश थी, जो यूक्रेन बार बार चाह रहा है कि हम शांति बनाए रखें, और शांति बनाने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी इस कोशिश में कहीं ना कहीं उसे वापस नाकाम करने के लिए रूस ऐसी हरकतें कर रहा है। अब ताज़ा परिस्थितियों में क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिका का सपोर्ट है और यूरोपियन संघ उसके साथ है, तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोच सकता है, जिसके तहत जितने भी राजनयिक और जितने भी व्यापारिक समझौते यूक्रेन और रूस के अंतर्गत चल रहे हैं, इन सारे समझौतों को आज यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकती है, और इसका प्रमुख कारण माना जाएगा जो आज के पॉलिटिकल डिसीजन थे रूस के। इस मुद्दे पे अलग अलग देशों और अलग अलग देशों के दूतावासों से अलग अलग तरीके की खबरें देखने को मिल रही हैं। प्रभाव ऐसा है कि रूस से और यूक्रेन से आने वाली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनका किराया करीब करीब 2 लाख रुपए तक बढ़ गया है। स्थितियाँ इस हद तक बिगड़ चुकी हैं कि वहाँ रहने वाले लोग अपने अपने देश, अपने अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इसकी तैयारी भारत ने भी की है, और इसी तैयारी के तहत भारतीय दूतावास से ये घोषणा की गई कि वहाँ रहने वाले लोग कभी भी भारत डिपोर्ट किए जा सकते हैं। उनका पूरा डेटा भारतीय दूतावास के पास और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के पास संयोजित है। इस घटना के ऊपर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।